अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे कैमरा ड्रोन HN E58। आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। ड्रोन को मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे फ्लाई करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, जी मोड क्या होता है, हेडलेस मोड क्या होता है, वन की रिटर्न क्या होता है, और इसके अलावा बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। ये पॉकेट ड्रोन है, साइज़ में बिल्कुल छोटा है और ये DJI मैविक प्रो तर्ज पर इसको बनाया गया है छोटे पैमाने पर। इसके जो आर्म्स हैं ये फोल्डेबल हैं और इसके जो ब्लेड्स हैं वो भी फोल्डेबल हैं। अगर किसी जगह पे ये टकराता है तो इसके जो आर्म्स हैं ये फोल्ड हो जाते हैं और ये क्रैश से बच जाता है आमतौर पर। और इसके साथ प्रॉप गार्ड्स हैं, इनको आप आसानी के साथ फिक्स कर सकते हैं विदाउट स्क्रूज़। और इसी तरीके से चारों प्रॉप गार्ड्स आपने फिक्स करने हैं। और इसकी जो मोटर्स हैं ये वर्टिकल नहीं हैं, इसके अंदर हॉरिजेंटल टाइप पर मोटर्स फिक्स की गई हैं। और ये इसका कैमरा है 720p, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। और ऊपर की जानिब इसकी हेडलाइट्स हैं, और इसके अलावा टेल पर इसकी रेड लाइट है एक, और ये इसकी बैटरी है 3.7 वोल्ट 500 mAh, और इसके साथ तीन अदद बैटरीज हैं। आप दो बैटरीज़ के साथ भी इसको ख़रीद सकते हैं, उससे इसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये चार्जिंग के लिए इसकी सॉकेट है जैसे मोबाइल फ़ोन की होती है, और इसके साथ एक केबल मिलती है, इसको आप इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। और इसकी दूसरी साइड आप USB चार्जर से अटैच कर दीजिए, और जब पावर ऑन करेंगे तो बैटरी के अंदर इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, और जब ये लाइट ऑफ होगी तो इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये इसकी मैनुअल बुक है, 6 मुख्तलफ ज़ुबानों के अंदर है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में इसके साथ दो मेन ब्लेड्स हैं और एक स्क्रू ड्राइवर है। और इसका जो रिमोट है वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है, पॉकेट साइज़ है। और ऊपर की जानिब ये एंटीना है, जस्ट फॉर डेकोरेशन है, और इनका कोई फंक्शन नहीं है। और नीचे की जानिब ये मोबाइल फ़ोन के लिए रैक है, इसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन को फिक्स कर सकते हैं। और अगर आप इस ड्रोन को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहां से इसको ख़रीद सकते हैं और इसकी प्राइस और डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये इसका वन की टेक ऑफ बटन है और ये वन की लैंडिंग बटन है, और ये इसका लेवल स्टिक है, इससे आप ऊपर और नीचे इसको फ्लाई कर सकते हैं। और इस स्टिक को राइट लेफ़्ट करने से क्वाडकॉप्टर राइट लेफ़्ट टर्न करता है, और राइट स्टिक को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने से क्वाडकॉप्टर फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लाई करेगा, और इसको राइट लेफ़्ट करने से राइट लेफ़्ट साइड वाइज फ्लाई करेगा। और राइट लेफ़्ट साइड वाइज की जो ट्रिम सेटिंग है उसके ये ऊपर वाले दो बटन्स हैं, और फॉरवर्ड बैकवर्ड के ट्रिम बटन ये वाले दो हैं। और ऊपर की जानिब ये इसका स्पीड बटन है, मीडियम फास्ट एंड स्लो। और इसके पीछे फ्लिप बटन है, फ्लिप को आप प्रेस करके स्टिक को राइट करें और लेफ़्ट करें तो राइट और लेफ़्ट साइड पे रोल करेगा क्वाडकॉप्टर। और इसी तरह दूसरी तरफ भी दो बटन हैं, पहले बटन को प्रेस करने से टेक फ़ोटो, और इसको लॉन्ग प्रेस करने से रिकॉर्ड वीडियो। और जो पीछे वाला बटन है इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो हेडलेस मोड में एंटर हो जाएगा,
और दोबारा प्रेस करेंगे तो इससे एग्ज़िट हो जाएगा, और इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वन की रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा, और इससे एग्ज़िट करने के लिए आप राइट स्टिक को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेंगे तो उससे एग्ज़िट कर जाएगा। और ऑन करने के लिए पहले क्वाडकॉप्टर को ऑन कीजिए, उसके बाद रेडियो को ऑन कर दीजिए, थ्रटल स्टिक को ऊपर और नीचे कर दीजिए तो ये अभी कनेक्टेड है। इसके अलावा एप्लीकेशन के लिए आप सबसे पहले JYUFO के नाम से एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कीजिए और सेटिंग को ओपन कर लीजिए और वाईफाई को ओपन कर लीजिए और इसमें YFYUFO के नाम से आइकॉन है इसको कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद आप वापस एप्लीकेशन पर चले जाइए और एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और इसको प्ले कर लीजिए। अभी जो कैमरा है वो स्टार्ट हो चुका है। और शॉर्टली इसकी जो मेन्यू है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें जो सबसे पहला आइकन है ये रिटर्न बटन है और इसके साथ टेक फ़ोटो और ये रिकॉर्ड वीडियो और ये मीडिया सेंटर है, इसके अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं और ये स्पीड है 30, 60 एंड 100%। और इसको ऑन कीजिए तो इस पर कंट्रोल्स ऑन हो जाएंगे और ये एल्टीट्यूड होल्ड और ये वन की टेक ऑफ और वन की लैंडिंग, सेंटर में इमरजेंसी स्टॉप है रेड बटन और इस पर तमाम जो हैं पैरामीटर्स शो हो जाएंगे। ये इसका जी मोड है, इस पर आप जैसे एंड्रॉयड पर गेम्स खेलते हैं उसी तर्ज पर आप क्वाडकॉप्टर को फ्लाई कर सकते हैं। और ये इसका मेन्यू बटन है, ये कैमरा फ्लिप, वर्चुअल रियलिटी, हेडलेस मोड, कैलिब्रेशन और ट्रैक रूट। और इसकी टेस्ट फ्लाइट करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप हमेशा ऐसा एरिया सेलेक्ट कीजिए जो बिल्कुल ओपन हो और क्राउड वगैरह में आप बिल्कुल इसको फ्लाई करने की कोशिश मत कीजिए। और जिस टाइम पे हवा बिल्कुल स्टेबल हो उस टाइम पे आप इसकी फ्लाइंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हवा के अंदर जो वीडियो है वो वाइब्रेट करती है। और स्टार्टिंग में बिल्कुल अपने करीब फ्लाई कीजिए इसको और इसकी फ्लिप चेक करते हैं। फ्लिप बटन को प्रेस करके स्टिक को राइट करते हैं और इसी तरह इसको लेफ्ट करते हैं तो ये लेफ्ट राइट रोल करता है। और कैमरा ड्रोन फ्लाई करते हुए कुछ बातें जहन में रखिए कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आबादी है, घरों के ऊपर इसको फ्लाई करना बिल्कुल कानूनी तौर पर ममनू है। आप इस बात का ख़्याल रखें कि पब्लिक प्लेसेस में और हसास मकामात पर जैसे मिलिट्री एरियाज़ हैं, पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और स्कूल वगैरह हैं या सरकारी इमारात हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, तो इन एरियाज़ में बिल्कुल आप इसकी फ्लाइंग मत कीजिए। ये एक तरह से कानूनी जुर्म तसव्वुर होता है और इसके लिए हमेशा आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहां पर आप आसानी के साथ फ्रीली इसको फ्लाई कर सकें।
और इसको ग्राउंड से बाहर फ्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसकी जो रेडियो रेंज है वो तकरीबन 300 फीट तक होती है और जो इसकी वाईफाई रेंज है जहां पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है वो 100 फीट है। 100 फीट के अंदर आप इसको फ्लाई करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसकी स्पीड को फास्ट करते हैं। इसमें ये हल्की फुल्की हवा में भी फ्लाई कर सकता है जब आप स्पीड को फास्ट करेंगे। और इसका हेडलेस मोड क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपका क्वाडकॉप्टर दूर है और आपको समझ नहीं आ रही कि इसका हेड किस तरफ है और इसकी टेल किस तरफ है, तो आप जो ही हेडलेस मोड को प्रेस करेंगे बेशक क्वाडकॉप्टर का हेड आपकी तरफ हो तो आप उसको रिवर्स करेंगे तो क्वाडकॉप्टर आपकी जानिब आएगा और फॉरवर्ड करेंगे तो दूसरी जानिब फ्लाई करेगा। बेशक दूसरी जानिब उसकी टेल हो या हेड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने हेडलेस मोड प्रेस कर दिया तो आपने ये जहन में समझ लेना है कि इसका हेड जो है वो मुखालिफ सिमत है और टेल आपकी तरफ है। और इसी तरह इसकी वन की रिटर्न जो है वो भी इसी बेस पे है। आपका क्वाडकॉप्टर अगर बहुत दूर जा चुका है और आप नहीं जानते कि किस तरफ उसका हेड है और टेल है तो आप जो ही लॉन्ग प्रेस करेंगे वन की रिटर्न को तो क्वाडकॉप्टर फौरी तौर पर आपकी जानिब मूव करेगा, तेज़ी से फ्लाई करता हुआ आएगा। और जब आपके नज़दीक आ जाए क्वाडकॉप्टर तो उसी वक्त आप उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड की को आप किसी जानिब मूव कर दीजिए तो इससे ये एग्ज़िट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये आपसे टकरा सकता है, हिट कर सकता है आपको। और इसके अलावा एप्लीकेशन से कैसे फ्लाई करते हैं, पहले क्वाड को ऑन किया उसके बाद एप्लीकेशन को ऑन किया, एल्टीट्यूड होल्ड ऑन किया, रिकॉर्डिंग को ऑन किया और टेक ऑफ। एप्लीकेशन से फ्लाई करते हुए कुछ चीज़ें जहन में रखिए कि पहले आप अच्छी तरह से रिमोट के साथ फ्लाइंग प्रैक्टिस करिए और जब आपकी प्रैक्टिस खूब हो जाए उसके बाद आप एप्लीकेशन से फ्लाइंग कीजिए, क्योंकि मोबाइल के ऊपर स्टिक्स नहीं होती हैं और उसकी जो सेंटरिंग पॉइंट्स हैं वो आप सही तरीके से गैस नहीं कर पाते और स्टिक की समझ नहीं आती कि आपके जो अंगूठे हैं वो किस जगह पे हैं। तो आमतौर पर फ्लायर जो है वो पज़ल हो जाता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद ही आप हमेशा ऐप पर फ्लाइंग कीजिए। और जो दूसरी बात है वो जहन में ये रखनी है आपने कि जब आप ऐप से फ्लाइंग कर रहे हों तो इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी, 100 फीट। और अगर आप रेडियो से फ्लाई कर रहे हैं तो उसकी रेंज होगी 300 फीट। तो ऐप से कंट्रोल करते हुए ये जहन में रखना है कि अपने इर्द गिर्द आपने उसको फ्लाई करना है, बहुत ज़्यादा दूर ना जाने पाए। 100 फीट से अगर ज़्यादा दूर जाता है तो आपका जो क्वाडकॉप्टर है वो गिर सकता है। और इसके अलावा इसका जी मोड प्रेस करते हैं। जी मोड प्रेस करते ही आपने मोबाइल को बिल्कुल स्टेबल कर लेना है, सीधा कर लेना है,
क्योंकि जैसे आप मोबाइल को मूव करेंगे उसी तरीके से क्वाडकॉप्टर फ्लाई करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट। और इसके अलावा इसका छोटा सा एक क्लिप आपको दिखाते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का। ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग है, इसको आप 720 पे भी फिक्स कर सकते हैं और नॉर्मल पे भी फिक्स कर सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।